हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज DJI RS 3 गिम्बल सेटअप करेंगे, बैलेंस करेंगे और इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका स्टेबिलिटी चेक करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। चलो चलते हैं, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है और इसको सेटअप कर लेते हैं। बॉक्स में गिम्बल का मेन पार्ट, बैटरी, ट्राईपॉड, दो क्विक रिलीज प्लेट, दो वायर मिल जाएगा। ये है बैटरी पार्ट विद ग्रिप। इस पार्ट को गिम्बल के साथ अटैच करना है। साइड में एक लॉक रहता है, उसको अनलॉक कर लेना। बैटरी पार्ट को गिम्बल के साथ अटैच किए बगैर ही अलग से चार्ज कर सकते हैं। 3000 mAh का ये बैटरी 12 आवर बैटरी बैकअप देता है। बैटरी ग्रिप को अटैच करने के बाद ट्राईपॉड को अटैच कर लेते हैं। अच्छे से टाइट कर देना है। ये गिम्बल 3rd generation स्टेबलाइजेशन एल्गोरिथम के साथ आता है। इस पार्ट को कैमरे के साथ अटैच करना है। इसके बाद क्विक रिलीज प्लेट को गिम्बल के साथ अटैच कर देना है। अनलॉक करके कैमरा को एक क्विक रिलीज प्लेट के साथ अटैच कर देना है, फिर लॉक कर देना है। ये गिम्बल 3 kg पेलोड ले सकता है। अब इसको सही से बैलेंस करना है। डिस्प्ले में ऑरेंज कलर का सिंबल दिख रहा है, वो ग्रीन कलर होना चाहिए। जो तीनों लाइन दिख रहा है वो मिडिल में ग्रीन 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 आ जाएगा अगर सही से सेट होगा। पहले टिल एक्सेस को अनलॉक करके कैमरे को आगे पीछे करेंगे, मिडिल में रख के बैलेंस करेंगे, आगे पीछे ना जाए, फिर लॉक कर देंगे इसको। रोल एक्सेस को भी ऐसे ही बैलेंस कर लेंगे, कोई साइड में ना झुके, मिडिल में रखने की कोशिश करें। पैन एक्सेस को भी ऐसे ही सेट कर लेंगे, 45 डिग्री एंगल में सेट करके पैन एक्सेस को भी बैलेंस कर लेना है। फिर ऑटो ट्यून में जाकर इसको कैलिब्रेशन करेंगे। ये ऑटोमेटिकली गिम्बल को बैलेंस कर लेगा। 100% होने तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जितने हो सके बैलेंस किया, बाकी ये पूरा बैलेंस कर देगा। ये ऑटो सेटअप में ये बैलेंस हो जाएगा। इस गिम्बल में बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स है। ब्लूटूथ शटर कंट्रोल ऑप्शन है, इससे बिना वायर के ही कैमरे के साथ गिम्बल अटैच हो जाता है। फ़ोन के साथ कनेक्ट करके गिम्बल को जायरोस्कोप मोड में मोबाइल से ही गिम्बल को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी देखो जो कैमरे का सिंबल वो ग्रीन हो गया है, मतलब हमारा गिम्बल बैलेंस हो गया है सही से। बैलेंस इंडिकेटर का जो 3 लाइन है वो भी देखो मिडिल में ग्रीन ग्रीन आ गए है। जब सारे तीनों डॉट जब ग्रीन हो जाएगा तब समझ लेना तो आपका गिम्बल रेडी है। गिम्बल के तीनों एक्सेस में 3 लॉक रहता है। इस गिम्बल में जो 3 लॉक है ये ऑटो लॉक हो सकता है। जब गिम्बल यूज़ हो गया है, अभी यूज़ नहीं करना है, तब इसको लॉक करना, तो एक ही स्विच में ये सारे लॉक ऑटोमेटिक हो जाएगा। अलग अलग से इसको लॉक नहीं करना पड़ता है, ये एक स्विच में ही पूरा लॉक हो जाता है। फिर जब ऑन करना है, यूज़ करना है, तब एक ही स्विच में ये पूरा अनलॉक हो जाता है, यूजेबल हो जाता है। काफ़ी टाइम बच जाता है, पूरे अलग अलग से लॉक नहीं करना पड़ता है इस गिम्बल में। 1.8 इंची OLED टच स्क्रीन है। रीसेट और सेल्फी बटन सामने है। सामने फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील से कैमरा गिम्बल से ही कैमरे को कंट्रोल कर सकते हैं, अपर्चर शटर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। गिम्बल मूविंग का जो स्पीड होता है या स्लो फास्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसका टच स्क्रीन बहुत ही स्मूथ है, यहाँ से आप लोग कैमरा और गिम्बल को कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। साइड में एक्स्ट्रा एक बटन दिया है, ये पैन फॉलो पैन टिल फॉलो का जो बटन वो साइड में दे रखा है। ये जॉयस्टिक से कैमरा को आप लोग लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। धीरे दबा के मूव किया तो स्लो मूव होगा, अगर ज़ोर से दबा के मूव किया तो फास्ट मूविंग होगा। ये मेनू बटन से आप लोग कैमरे को मैनुअली सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग बटन से रिकॉर्डिंग स्टार्ट और स्टॉप होता है। अभी रिकॉर्डिंग बटन दबाया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। इस गिम्बल से कई तरह के मूविंग शॉट्स लिया है हमने, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। अभी कैमरा गिम्बल सेटअप के बारे में ही इस वीडियो में दिखाएंगे। इसके बाद वर्टिकल मोड में कैसे सेटअप करना है कैमरा को गिम्बल के साथ वो दिखाएंगे। ये ऑर्बिट क्रेन शॉट है और ये शॉट फॉलो मोड में पीछे से एक सब्जेक्ट से और एक सब्जेक्ट पर
फोकस को शिफ्टिंग करेंगे। म्यूजिक वीडियो में ये शॉट काफ़ी यूज होता है। ट्यूटोरियल के लिए वीडियो है इसलिए एक ही बार में शॉट लिया, आप लोग प्रैक्टिस करके अच्छे से ये शॉट को ले सकते हैं। अभी गिम्बल को वर्टिकल मोड में बैलेंस करेंगे। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में अभी वर्टिकल मोड में वीडियो रिकॉर्डिंग का ट्रेंड चल रहा है। ऐसा एल टाइप प्लेट इस क्विक रिलीज प्लेट के साथ ऐड करके गिम्बल के साथ अटैच करते हैं। वर्टिकली कैमरा को सेट करके तीनों एक्सेस में बैलेंस करेंगे। क्विक रिलीज प्लेट के ऊपर आगे पीछे करके इसको सही जगह पर प्लेस करेंगे, ये आगे पीछे ना जाए। फिर इसको टाइट करके ये रोल एक्सेस को बैलेंस करेंगे। नीचे का ये क्विक रिलीज प्लेट गिम्बल के साथ ही आता है, और एक जो एल टाइप का प्लेट ये आप लोगों को अलग से खरीदना पड़ेगा। इसके साथ केबल को सेट कर दिया। सबसे ऊपर में जो टाइप सी पोर्ट है उसमें ये केबल को सेट करना है। फिर वर्टिकल मोड में कुछ शॉट लेंगे पीछे से, फॉलो मोड में फिर ऑर्बिट ट्रैकिंग करना है, फिर साइड ट्रैक। 85mm लेंस के साथ RS3 गिम्बल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे गिम्बल मूव्स दिखाएंगे RS2 एंड RS3 गिम्बल को यूज़ करके, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।